this day comes and we become very happy and we wear the new clothes and we go to schools and colleges and the public places we for the flag hosting. This is what the memories we Hindustan ek itni khoobsurat country hai jahan par kai sare mazahib yahan pe rehte hain hindu musliman sikh isai kai sare log aapas mein miljul kar rehte hain ek hi aasman ke niche ek hi zameen par hum log sab miljul kar rehte hain to ye bahut hi ye hum log puri duniya ke samne ek misal hain कि एक इंसानियत का बेहतरीन नमूना हम लोग पेश करते हैं एज अ बीइंग इंडियन क्योंकि कोई कंट्री को चलाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है तो आज ही के दिन हिंदुस्तान ऐसी इतनी खूबसूरत कंट्री इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था जिसको हम लोग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं जिसके अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं जिसके अंदर एक नागरिक के हुकूक क्या होते हैं इस कंट्री के अंदर हम लोग को कैसे जीना है कौन से काम हमें करने हैं कौन से काम हमें नहीं करने हैं यू हैव टू लीव योर लाइफ लाइक यू हैव टू बिकम अ कंट्रीब्यूटर दिस कंट्री एंड हमें एजुकेशन ऐसी हासिल करना है कि हम अपने एजुकेशन के ज़रिए से अपने स्किल और सलाहियत के ज़रिए से हमारी कंट्री को हम लोग कैसे आगे ला सकते हैं हमारे देश को हम लोग कैसे इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट कर सकते हैं हमें वो स्किल्स सीखने होंगे वो कोर्सेस हमें करना होगा वो एजुकेशन हमें हासिल करनी होगी कि हम भी दूसरे मुमालिक के साथ शाना बशाना उनके साथ हम लोग कॉम्पीट कर सकें और हिंदुस्तान की तारीखी बात रही है कि हर मैदान के अंदर हिंदुस्तान ने अपना बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है स्टार्ट वंस अगैन वर्किंग फॉर दिस कंट्री एंड वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम ईयर्स हम लोग हमारे असलाफ से काम करते आ रहे हैं हम लोग इस देश के लिए अपनी जान मन तन सब कुछ कुर्बान करते आ रहे हैं आज भी कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और इसी तरह से हमें करते रहना है अपने देश को हम लोग प्यार करते रहना है ये प्यार ही होता है जो इंसानियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये मोहब्बत ही होती है कि इंसानों के दिल जीते जा सकते हैं पूरी दुनिया को जीता जा सकता है सिर्फ मोहब्बत के पैगाम से आज के दिन वही पैगाम मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए यूनिटी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो एकता हमारी ताकत है हमें आगे बढ़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा हमें ये एक दूसरे की मदद कीजिएगा एक दूसरे को समझिएगा एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिएगा इसी के जरिए से हिंदुस्तान डेफिनेटली नंबर वन कंट्री बनेगा सो मच कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियोज एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस